आ जाओ सोनू, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ, इसको बैठ जाओ।
गुड्डू जी, गुरु जी दिखे नहीं? हाँ, पिछले दो साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा माहौल था, लेकिन ये साल बहुत ही धूम धड़ाका है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस साल गणपति जी विराजे हैं। मेरे लिए ना एक्चुअली इसी साल भाई एक मिनट आप लोग लड़ने में निकाल दिया, चार मिनट बचा है, टाइम देखते हुए काम कीजिए आप लोग। आप बताइए सर, आज फर्स्ट ईयर है आपके लिए और बहुत ही आपने भी अच्छी तरह से पूछा जी, क्या कहना चाहोगे? आप सब लोग थे अंदर, आपको वाइब्रेशन फील हुई होंगी। आई थिंक मेरे लिए तो ऑब्वियसली ये पहली बार है, सर के लिए जैसे हर साल सरप्राइज होता है, मेरे लिए इस बार सरप्राइज था। बट इसके पहले मोहल्लों में ही लाइक जहाँ रहते हैं वहाँ कॉलोनी में जो भी स्थापना होती है वही देखा है, घर पे करते नहीं है, मतलब होता नहीं अभी तक। बट दिस इज़ एज फार एज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बहुत मज़ा आया जी। आई थिंक मुंबई एज अ सिटी यहाँ पर स्पेशली, आई डोंट नो किसी और जगह का, बट यहाँ पर जिस, यहाँ पुणे में पढ़ा था मैं इसके पहले, सो यहाँ पर जिस तरीके की उनकी गरिमा रही, आई थिंक मतलब उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो फॉर एवरीथिंग गुड थैंक यू पापा, एंड एवरीथिंग गुड कमिंग एडवांस में थैंक यू। मुझे खुद को आइडिया, हम लोग इनफैक्ट लीप हुआ है ना अभी शो में, तो हम लोग खुद बाहर चल रहे थे आज। मैं आई डोंट नो कितने दिनों बताया सेट पे, नौ दिन बाद, सो मेरे लिए भी ये सरप्राइज था। अगली बार से आई विल पार्टिसिपेट इन द प्रिपरेशन एज वेल जी। वी आर, आई हैव सेड माई थैंक यूज एंड आई हैव गिवन माई लिस्ट ऑफ वॉट आई वॉन्ट इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। बट आई एम ग्रेटफुल, आई एम सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है कि सब सही है लाइफ में इस वक्त, सब सही है। आई थिंक दिस ईयर हैज़ बीन वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। दिस ईयर हैज़ बीन ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू बिगिनिंग। मुझे अभी तक हमेशा लगता था कि मैंने अभी तक चालू नहीं किया, अब लग रहा है हाँ चालू कर चुका हूँ। सो एक बहुत ही कोइंसिडेंशियल बात है जो मैं आज बता दूं, जिस दिन गणपति जी आते हैं उस दिन हम लोगों जैनों का समसिरी एक त्यौहार होता है, सो यूजुअली आई एम फास्टिंग दैट डे। साथ ही साथ गणपति में सबसे एक्साइटिंग पार्ट आपके लिए क्या होती है, जैसे ही बाबा का नाम सुनते हैं? आई थिंक नहीं, आई थिंक ये जो मतलब जो आरती होती है ना सुबह शाम की, I don't know how to explain this. आप लोगों ने फील किया है इसलिए like आप लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक दिस रीसेट्स द होल थिंग फॉर 10 days। वर्क बिकम्स मोर फेस्टिव एंड मोर, मतलब इट्स नॉट ओनली कि आप काम करने के लिए आ रहे हैं, आप आरती करने भी आ रहे हैं, और एक सब सही है इस वक्त, मतलब वो फेस्टिव वो वाला माहौल होता है ना कि सब सही है, आप काम करते रहो, मज़े करते रहो, लड्डू पेड़े खाते रहो, प्रसाद लेते रहो, भगवान जी की पूजा करते रहो, एंड टाइम सेल्स जी। एक्चुअली हम लोग पिछले एक 40 दिन 40-45 days से यही सोच रहे थे कि मतलब अभी लीप आने वाला है, कुछ थोड़ा सा मुझे इंजरी टाइप का भी हो गया था तो हम लोग परेशान थे वो सब लेके, बट एट दिस डे एवरीथिंग इज गोल्डन। मतलब तभी सर ने बोला था एक ऐसे भविष्यवाणी की तरह, देखना बप्पा आएंगे सब ठीक हो जाएगा, एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड, बप्पा आए सब ठीक हो गया। वो खुद मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आज उसके यहाँ भी गणपति बैठी है इसलिए शी इज देयर, बट जब वो देखेगी ये और जब उसको मैं बताऊंगा, आई डोंट थिंक शी इज गोना मिस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। आज वो रिग्रेट कर रही होगी कि मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं वहाँ चले जाती हूँ तो घर पे ही है ना, आज वो मिस कर रही होगी, ये मिस आउट करेगी जब देखेगी तब।
थैंक यू एंड आई होप गणपति बप्पा की दया दृष्टि आप सब पे बनी रहे, मे ही ब्लेसेस यू एंड आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, जैसे बाकी मतलब जो भगवान चाहे वो सब सही है। थैंक यू मोरिया, धन्यवाद भाई, धन्यवाद आप लोग के।